सो आई लव यू गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो अपनी सामाजिक विज्ञान है इसका जो पूरा पेपर है, जो आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए जो 100% सफलता हेतु जरूर देखें यह वीडियो, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी पेपर में से आपका जो पेपर है निकल के आएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को छोड़कर मत भाग जाना, ध्यान रहे, नहीं तो आप मैं कुछ नहीं कह सकता। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको अगला पेपर भी ऐसे ही मिल जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पीडिया से क्या आशा है, क्या तात्पर्य है, एवं दूसरा है ह्यूमस किसे कहते हैं, एवं तीसरा है एजेंडा 21 क्या है। उसके बाद ये जो है आपका क्वेश्चन VVI मतलब अत्यंत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब बिल्कुल आना ही आना है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए, ये दो दो अंक का क्वेश्चन है अभी, जो आपके पूरे इसी में से आएंगे, इसकी अपन गारंटी लेते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिख लेना। उसके बाद है मृदा संरक्षण से क्या समझते हैं तथा इसके उपाय लिखिए, ये जो अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद है छठवां संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला जो निकल के आता है संसाधन किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो आता है नवनीकरण व अनवनीकरण किसे कहते हैं, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अत्यंत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल कर लेना, पूरा को पूरा रट डालो। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निर्माण किसे कहते हैं, ये जो मोस्ट है। उसके बाद है आरक्षित वन किसे कहते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके बाद है सुभेद जातियों से क्या आशय है, इसका आपको अच्छे से लिख लेना है। और उसके बाद हमारा अगला है 22वां प्रश्न, रबी एवं खरीफ की फसलों में अंतर। तो ये जो आपका प्रश्न है 100% लिख के देते हैं हम, आएगा ही आएगा। जब आपको पता है हमारे वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि जब ये प्रश्न आना ही आना है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिए। और आप बाकी फेक चैनलों पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद है हमारा 13वां, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। लेकिन 14वां है जो आपका जैव विविधता क्या है, इसे कम करने के उपाय लिखिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां, वन्य जीव संरक्षण के उपाय लिखिए। उसके बाद 16वां है बालकन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। उसके बाद जो हमारा 17वां है उदारवाद का अर्थ बताइए। उसके बाद 18वां, झूम कृषि से क्या तात्पर्य है। उसके बाद है जो हमारा अगला रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। उसके बाद हमारा अगला है एक्रो अमेरिकी शब्द से क्या तात्पर्य है, इनको अच्छे से कर लेना। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ पर मोस्ट महामोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की छड़ी है, जो जन्नत से लेकर के आए हैं हम। उसके बाद है हमारा अगला जो है अवशेष शक्ति आंदोलन को समझाइए। उसके बाद 13वां है निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। उसके बाद हमारा है बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर बहिष्कार का अर्थ आ जाए, बहिष्कार की परिभाषा भी आ सकती है, तो यही इसी को लिखना है, ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद भारतीयों ने साइम कसी का विरोध क्यों किया, दो कारण लिखिए, ठीक है, दो कारण। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सतत पोषणीय विकास क्या है। उसके बाद हमारा अगला है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय आय क्या है, इन सभी को अपने परीक्षा अध्ययन में जल्दी से जल्दी टिक करके लिख लीजिए। उसके बाद वैश्वीकरण को समझाइए। उसके बाद हमारा उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। उसके बाद हमारा औद्योगिक क्रांति से क्या आशा है। उसके बाद है जोबर कौन थे। उसके बाद है उपभोक्ता जागरूकता क्या है। उसके बाद है तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से कैसे उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, कैसे भिन्न है उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उसके बाद उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाइए। उसके बाद हमारा अगला है असहयोग आंदोलन का कारण एवं परिणाम लिखिए। उसके बाद है 37वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। उसके बाद हमारा आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का सविस्तार वर्णन कीजिए। उसके बाद हमारा 40वां है विदेशी व्यापार से क्या आशय है। उसके बाद सूचना के अधिकार से क्या आशय है। उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली से के आशा है। उसके बाद है सूरत बंदरगाह के 18वीं सदी के अंत हाशिए पर पहुंचने के कारण लिखिए। उसके बाद है लंदन को 17वीं शताब्दी में फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है।
उसके बाद हमारा जो 45वां है ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। उसके बाद हमारा जो अगला है महामोस्ट गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। उसके बाद हमारा अगला राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान लिखिए। उसके बाद है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए। उसके बाद हमारा लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो ये तो जी हमारे जो पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से कर लेना, एक एक करके लिख लेना, और अभी क्वेश्चन बैंक पर टिक करके आप अच्छे से याद कर लेना। आपको बेहतर से बेहतर हमारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं अगला पेपर अपलोड करूँ तो आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले, और हम अगर रियल पेपर आता है तो बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना और चैनल को बार बार प्लेलिस्ट में चेक करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।